अब हमें नया क्वेश्चन दिया गया है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टर 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टर? तो बच्चों पहले इसका सर्किट समझ लेते हैं अपन। देखिए यहां पर हमें R1 दिया गया है 0.2 ओम, R2 दिया गया है 0.3 ओम, R3 दिया गया है हमें 0.4 ओम, R4 दिया गया है हमें 0.5 ओम एंड R5 दिया गया है हमें 12 ओम। ओके, तो 5 अलग अलग रजिस्टर दिए हैं। अब इन सभी रजिस्टर को चले फिगर बनाते हैं अपन। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन पांचों रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ। बैटरी के वोल्टेज है 9 वोल्ट, ठीक है। तो बच्चों ये आपका सीरीज कनेक्शन हो गया। अच्छा, अब सीरीज कनेक्शन में अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना है तो सभी का एडिशन करना पड़ेगा, मतलब कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यानी कि 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। ध्यान से, 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1.4 प्लस 12 यानी ये हो जाएगा 13.4 रेजिस्टेंस हो गया। चलिए अब पूरे सर्किट का जो करंट फ्लो होता है वो निकाल लेंगे। तो I हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये बच्चों अभी हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ, तो वोल्टेज है 9 अपॉन 13.4। देखिए आप ध्यान से, 9 डिवाइडेड बाय 13.4, जिसका आंसर आ रहा है आपके पास 0.67 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया बच्चों।